अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी इमली खजूर चटनी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 250 ग्राम इमली पल, 250 ग्राम ग्राइंडेड डेट्स, 500 ग्राम शुगर और टू टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड चिल्ली, 1 टीस्पून कैरम सीड्स, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टीस्पून ग्राइंडेड ग्रीन चिलीज। अब एक पैन में हम ये खजूरों की जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो डाल दूंगी, साथ ही ये इमली का पल्प जो है ये भी डाल दूंगी। अजवाइन, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, काला नमक, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये सब डाल के अब मैं थोड़ा ठीक होने तक इसको पकाऊंगी। हल्की आंच पे मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है। अब इसके अंदर मैं जो है ये चीनी डाल दूंगी और सिरका डाल दूंगी और चीनी के मेल्ट होने तक इसको पकाऊंगी। देखिए चीनी जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। मैंने चीनी डालने के बाद भी इसको 2-3 मिनट मज़ीद पकाया है। अब ये तैयार हो गई है, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए नाज़रीन, इमली की खजूर चटनी अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। आप इसको इसी तरह बनाकर चिल करके पेश कीजिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। आप इसे रमज़ान मुबारक में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.